गुरुवार को आम आदमी पार्टी की बैठक शहर के एक मैरिज हॉल में निकाय चुनाव को लेकर आहुत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए महेश वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार नगर निकाय चुनाव में फतेहपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्वेता सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इस बार भ्रष्टाचार से मुक्त होगा नगर पालिका फतेहपुर। 20 से 30 नवंबर के बीच में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। इस मौके पर नगर पालिका प्रत्याशी श्वेता सिंह, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पटेल, अजगुआ से सभा सांसद प्रत्याशी इमरान सीसा वाले, वैभव पांडे, अवधेश प्रजापति, डॉक्टर कमलेश सिंह, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव विजय गौतम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह। आपको जैसे आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी कि फतेहपुर जनपद वासियों के बीच आप किस मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस वादों को उनको पूरा करेंगे? जल निकास और सवर पाइपलाइन यहाँ पे नहीं, उस मुद्दों को लेकर मैं जाऊँगी। और जैसे कि तरह तरह की समस्याएं जैसे कि वार्डों में क्षेत्रों में रहती हैं, तो आप जनता के बीच किस वादों को लेकर, उनके वादों को लेकर, किस मुद्दों को लेकर उजागर करेंगे, उनके बीच किस वादों को लेकर आप जाएंगे? जल, बिजली और ये नाली, ये रोड, नालियों की गंदगी जो होती है उनको साफ सफाई। क्या नाम है आपका? श्रीमती श्वेता सिंह।